बालाघाट के न्यायालय ने हत्या के प्रकरण में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक बेहर के रोदा टोला में रामदास धारवे की तालाब में संदेहास्पद स्थिति में लाश मिली थी। जांच पश्चात स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या की गई थी और साक्ष्य छुपाने के लिए लाश को तालाब में फेंक दिया गया था। मामले में पुलिस ने रोशन लाल और रमेश मिरावी को आरोपी बनाया है। इस मामले में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिस पर माननीय न्यायाधीश राजेंद्र कुमार गुप्त की अदालत की ओर से जारी किए गए आदेश में आरोपी रोशन लाल और रमेश मिरावी को आजीवन कारावास अर्थदंड से दंडित किया गया। शासकीय अधिवक्ता मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते उसके खिलाफ फैसला नहीं आया है। सर, आज दो आरोपियों को सजा पड़ी है, क्या मामला है? ये थाना बैहर का एक मामला है, इसमें मृतक रामदास धारवे की हत्या जो है रोशनलाल जगदीश तथा रमेश मेरावी रौदा टोला बैहर निवासी तीनों ने मिलकर के और हत्या करके और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिए थे। बाद में तालाब से लाश मिली थी और प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर आज माननीय न्यायालय ने आरोपी रोशन लाल तथा जगदीश को धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 201 में 3 वर्ष का कारावास एवं 25,000 आजीवन का उसमें धारा 302 में एवं 201 में 5,000 दोनों को इस तरह से करीबन 30,000 रुपए की जुर्माने से दंडित किया है। और इसमें एक रमेश मिरावी आरोपी फरार है, इसलिए उसको इसके संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है।